माय नेम है शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है। एंड गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 1000 लाइक्स मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रॉस करे। एंड आज हम लोगों ने एक सुपर लाइव सेशन करा यूट्यूब के अंदर। मंथली एक्सपायरी हमारी बहुत ही ज़्यादा बेटर रही है। आज हम लोगों ने अराउंड बैंक निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट्स ऑप्शंस पे कवर करे हैं विद हेजिंग ऑफ अराउंड, हमारा जो मार्जिन लगा है 25,000 रुपीज़ का। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी गई थी और कुछ स्टॉक्स पे भी हम लोगों ने बहुत प्रॉफिट्स अर्न करे हैं। डेफिनेटली आप लोगों के साथ पूरी लाइव वीडियो मैंने यूट्यूब पे शेयर करी हुई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्या क्या हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया था, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक कॉन्क्लूजन में पहुंचे हैं कि अगर आपकी वीडियोस, अगर ये वाली पर्टिकुलर वीडियो 1.5K व्यूज क्रॉस करती है, लाइक्स, अगर 1.5K मतलब 1500 लाइक्स आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, सो गाइज कल आप लोगों के लिए मैं दोबारा एक लाइव सेशन करूंगा यूट्यूब पे एंड वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सो ये टोटली डिपेंडेंट ऑन यू गाइस, आप लोगों ने मदद करी क्रॉस करने में 1000 लाइक्स, एंड आप लोगों के साथ एक डेडिकेटेड लाइव सेशन आज शेयर करा गया जिसमें आप लोगों ने बहुत प्रॉफिट्स मुझे भेजे हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं भेजे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का नाम भेजा हुआ है, आप उसके थ्रू मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कल कौन से स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं, क्या चल सकता है। मंथली एक्सपायरी हमारे अकॉर्डिंगली ही पूरी वर्क करी है, तो अब क्या डिसीजन बनता है, तो सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक का नाम है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस आपको स्टॉक लिस्ट करा जा रहा है, आप लोगों को नाम यहां पर विजिबल होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, और मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताया था कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पर मैं भी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, वो भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और आज के इंट्राडे स्टॉक्स भी हमारे इंस्टाग्राम के बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करा, सो गाइस गो एंड फॉलो अस, वहां पर आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट्स मिल रहा है। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर वहां पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मल्टीपल पैटर्न्स के ऊपर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। सो गो एंड चेक, और वहां पर हम लोगों को फॉलो जरूर करिएगा। So, सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं हरक्यूलिस। यहां पर मैंने वीकली चार्ट्स ओपन करा हुआ है बिकॉज इट्स अ स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड है। यहां पर आप लोगों को करना क्या है, आपको क्लियरली दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आज के दिन एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग सेशन पे भी इस पे 140 पे एक बाय करवा रखा है, 139 टू 140 पे एक हमारा बाय है हरक्यूलिस हॉइस्ट के अंदर। सो हम लोग अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। हमारे जो टारगेट्स हैं ऑलमोस्ट 140 टू 180 टू 220 के इन बिटवीन है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीजन है, आप ये देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। सो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है कि हमारे टारगेट्स ये हो सकते हैं। ठीक है, सो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है वीकली कैंडल का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, कल है फ्राइडे, कल फ्राइडे के बाद हो जाएगा सैटरडे संडे, तो वीक एंड हो जाएगा, ये वाला वीक एंड हो जाएगा। तो ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं, इसकी कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट कैंडल बनेगी। सो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये 136 के ऊपर ऊपर बंद हो जाता है, हरक्यूलिस हॉइस्ट अगर 136 के ऊपर बंद हो जाता है, तो विद इन अ वीक और टू वीक्स हम लोग इसके अंदर एक अच्छे टारगेट्स देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज, कितने परसेंट का हमें रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। सो फर्स्ट परसेंट है 30%, 30% इज मिनिमम, 30% मिनिमम है, एंड मैक्सिमम इज 60% का रिटर्न ये स्टॉक विद इन अ कपल ऑफ वीक्स प्रोवाइड हमें करवा सकता है। सो डेफिनेटली स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करेगा। अगर 136 के ऊपर दो दिन भी सस्टेन कर जाता है तो बढ़िया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक पे अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पर भी बना है जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये डेली चार्ट्स के अंदर बना है, करंट प्राइस की बात करें तो 55.80 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है, एंड ये हम लोगों ने स्टॉक 51 रुपीस पे पहले भी आप लोगों को सजेस्ट करवा रखा है, एंड स्टिल वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यस गाइस, अभी इस पे एक क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक पर्पल कलर की लाइन बनाई है जो कि एक्ट कर रही है एज अ रेजिस्टेंस। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट डेफिनेटली दे चुका है, बट हायर लेवल्स पे एक यहां पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पर्टिकुलर पे, ये देख रहे हैं यहां पर मल्टीपल बार इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां सपोर्ट लिया, जब इसने सपोर्ट का यहां पर ब्रेक करा दैट बिकम रेजिस्टेंस,
फिर ये एक रेजिस्टेंस, फिर ये एक रेजिस्टेंस, अब यहां पर दोबारा रेजिस्टेंस ले रहा है। सो कर अभी मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो है 56.30 रुपीज पे, 30 पैसा पे। सो यहां पर अभी ऑलमोस्ट 50 पैसा अगर ऊपर जाता है स्नोमैन तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है। हमारे जो टारगेट्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के 65 to 67 रुपीज है। लेट्स टॉक अबाउट परसेंटेज, तो परसेंटेज के बाई से हम लोग को ऑलमोस्ट 15 to 20% का रिटर्न ये दे सकता है। 15 to 20% का रिटर्न स्नोमैन लॉजिस्टिक दे सकता है। स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से मत निकालिएगा, वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीईएल, पिरामल इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक भी मैं आप लोगों को बहुत टाइम से सजेस्ट कर रहा हूँ। हमारे पास खुद पर्सनल होल्डिंग है, 1700 या 1696 के आसपास हमारी होल्डिंग है, हमारे मेंबर्स की होल्डिंग है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स टेलीग्राम पे भी दिख जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, अगर आप देखेंगे मैं कंसोलिडेशन आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख रहे हैं ये वाला एक कंसोलिडेशन, देखिए ये देख रहे हैं इस रेंज के अंदर मैक्सिमम कंसोलिडेट करा है और आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, विच इज अ वेरी गुड साइन। हो सकता है कल एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनाए और उसके बाद एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। सो आपको करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, उस पर बाय कब करना है। आपको बाय के लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो दिस इज अ टॉप एंड दिस इज अर बॉटम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे जो कैंडल की क्लोजिंग है एग्जैक्ट 50% पे है, आप देख रहे हैं 50% अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% पे है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं टारगेट क्या है, उसके बाद एंट्री पॉइंट की बात करते हैं। टारगेट हमारा जो है वो हमारा है 1850 रुपीज का। स्टॉक का करंट प्राइस है 1808 रुपीज, पीईएल का टारगेट 1850 रुपीज का। अब बात करते हैं सर बाय कहां करना है। सो बाय के लिए आप देख रहे हैं एक शार्प अप मूव आई, शार्प अप मूव आने के बाद आप देख रहे हैं ये एक शूटिंग स्टार हायर लेवल पे देखने को मिला है इस लेवल पे। सो आपको क्या करना है, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 1810 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है 1810 के ऊपर, यू कैन गो फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ 1850 रुपीज, जो कि मुझे लगता है इंट्राडे के अंदर या फिर 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। सो दिस इज पीएल, आप लोगों को ये स्टॉक सजेस्ट करा गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है। ये एक तरीका है जिसके बेसिस पे मैं अपनी ज्यादातर ट्रेडिंग करता हूं अगर मैं इंट्राडे या फिर ऑप्शंस पे काम करता हूं, तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके बेसिस पे बहुत ईजी है। पहला पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस का समझने के लिए। यहां पर आप देखेंगे क्लियर लिखा हुआ है एक ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद यहां पर एक बेस क्रिएट हुआ, आप देख रहे हैं ना एक मल्टीपल बेस क्रिएट हुआ है, क्रिएट होने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस एंड रैली। सो ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसके बेसिस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। एक होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, पहले ड्रॉप करा रुका फिर नीचे चला गया तो कंटिन्यू कर रहा है। यहां पर क्या होता है ये एक रिवर्सल होता है, ड्रॉप करा कंसोलिडेट करा ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉप बेस रैली है, अगर इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो एक ड्रॉप बेस रैली सजेस्ट हो जाएगा और यहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। करंट प्राइस की बात करूं अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की तो 2991 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 2990 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आपको बाय करना है जब 3003 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। यस गाइस 15 मिनट की कैंडल अगर 3003 के ऊपर रुकती है तो ही आपको बाय करना है। एंड इसके नेक्स्ट टारगेट हमारे जो होंगे वो 3050 3100 3150 के होंगे, बिकॉज ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप का जो टॉप है यही हमारा टारगेट बनता है, यही हमारा टारगेट बनता है। तो अगर इसके ऊपर रुकता है और एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, मुझे लगता है 1 महीने, इस जून के एंड एंड तक ये 3500 या उसके ऊपर जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखिएगा, मार्केट स्टेबल रहती है तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन समझ में आ रही होगी, आप लोग कुछ सीख रहे होंगे एंड आप लोगों की नॉलेज यहां पर इंक्रीज हो रही होगी। सो गाइज 1.5K लाइक्स अगर आते हैं, 1500 लाइक आते हैं तो इस वीडियो के साथ हम लोग कल एक लाइव सेशन पर दोबारा एंटर करेंगे। सो गाइज इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टॉक। लास्ट स्टॉक है हमारा बीईएमएल।
BEML भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा एक पेनेंट पैटर्न फॉर्म हुआ है। पेनेंट पैटर्न क्या होता है, आप देख सकते हैं एक बॉटम से एक रैली आई, रैली आने के बाद ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, एक शार्प अपमूव के बाद जब एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है और वो रेंज के जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है और जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, आप देख रहे होंगे एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन, जब दोनों कन्वर्ज करती है ना एक दूसरे के साथ जुड़ती है और एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होता है एक अपमूव के बाद, सो इसे हम कहते हैं पेनेंट पैटर्न। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पर्पल कलर की जो लाइन है दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और जो ग्रीन कलर की लाइन है जिसके साथ हम लोग पर्पल कलर के सर्कल्स देख रहे हैं दैट एक्ट एज अ सपोर्ट। अब क्या करना है हम लोगों को, इस पे एक बाइंग डेफिनेटली करनी है, बट क्या करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें सबसे पहले एक ब्रेकआउट का वेट करना है, हो सकता है कल ये दोबारा नीचे आ जाए और फिर ऊपर चले जाए, तो हम लोगों को इस बिटवीन कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको ट्रेड तभी लेना है, अभी करंट प्राइस की बात करूं तो 1319 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 311319 पे ट्रेड कर रहा है। आपको बाय करना है जब 1332 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1332 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो आपको बाय करना है, बिकॉज यहां पर एक ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद शायद एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाए, बट आप लोगों को अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 1332 के ऊपर बाय करना है तो टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स होंगे हमारे ये पर्टिकुलर लेवल, यानी कि यहां से आप लोगों को 30 पॉइंट्स की रैली स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि मिनिमम रैली है, जो मुझे लगता है मिनिमम रैली तो दे सकती है। ये स्टॉक मेरे पास खुद भी होल्ड पड़ा हुआ है, एंड हम लोगों ने कितने पे बाय करा था, लेट मी शो यू, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं हम लोगों ने इनी बिटवीन कहीं लेवल्स पे बाय करा था, ये ब्रेकआउट आया था, ये वाली कैंडल, एक सेकेंड रुके मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज द टॉप एंड दिस, इस लेवल पे हम लोगों ने बाय करा था, 1170 के आसपास हम लोगों ने बाय करा था। ये स्टॉक हमारे पास अभी भी होल्ड पे है, यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो सारे स्विंग ट्रेड्स हैं सब पे, इंट्राडे भी आप लोग कर सकते हो, तो सारे स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट कर दिए गए थे। लेट्स मूव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, तो देखते हैं किस तरीके से काम कर सकता है। सो आप लोगों के सामने मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा मैंने एक रेंज क्रिएट करी हुई है। इस रेंज पे आप लोग देख रहे थे सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जब ब्रेकआउट दिया तो मल्टीपल सपोर्ट्स लेके स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब मैंने देखिए एक हायर रेजिस्टेंस पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है, सो ये एक पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ दिस पैटर्न, बट इसको जनरली एक माइक्रोफोन पैटर्न कहते हैं। माइक्रोफोन जैसे अगर एग्जांपल के दौर में दूं तो आपको पता होगा ना कि जब पुलिस की जीप आती है, या फिर हम लोग देखते थे फॉरेन मूवीज पे जब पुलिस की आती थी वैंस, तो वहां पर हम लोग देखते थे अगर कोई भी एक अटैक हो रहा होता है तो वो लोग माइक्रोफोन के थ्रू अनाउंसमेंट करते थे कि प्लीज सरेंडर योर सेल्फ, वैसा वाला अगर आप लोगों को याद होगा। सो वैसा जो माइक्रोफोन होता है जिसके थ्रू अनाउंसमेंट करी जाती है, वो एक पैटर्न ये बना है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक इसका हैंडल है एंड यहां से फिर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली स्टॉक बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता है। ऑल टाइम हाई की तरफ तो पहुंच ही चुका है ऑलमोस्ट एंड मुझे लगता है कल अपने ऑल टाइम हाई को भी ये रीच कर सकता है, तो स्टॉक के अंदर डेफिनेटली अपनी एक बाइंग बना के आप चल सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और मैं आप लोगों को कम से कम बहुत टाइम से कह रहा हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे एवरी डिप में आपको एक्यूमुलेट करना है, बाय है बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे आज हम लोगों ने कोई सेटअप लिया था, ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने कोई सेटअप लिया था, आप देख रहे होंगे ये एक फॉल देखने को मिल रहा है, इस फॉल पे, इस वाले पर्टिकुलर फॉल पे हम लोगों ने एग्जैक्ट इस लेवल पे हम लोगों ने आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दी थी कि आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये लेवल क्या था, 34,580 रुपीज का, 34,580 या 600 मान के चलते हैं। सो हम लोगों ने यहां पर आप लोगों को बोला था बाइंग आएगी, डेफिनेटली बाइंग आएगी, तो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाया था 34,400 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए। 34,400 का पुट ऑप्शन हम लोगों ने शॉर्ट करा था, दैट मीन्स वी आर बुलिश, 86 रुपीस पे शॉर्ट करा था और वो जीरो हो गया, सो पूरा 86 रुपीस का प्रीमियम हमें यहाँ पर मिल गया था। उसके अलावा हम लोगों ने 34,500 का कॉल ऑप्शन बाय करा था 200 रुपए पे, जो अभी करंट प्राइस उसका 600 रुपए चल रहा है, तो वहां पर हम लोगों को 400 पॉइंट मिले, तो 400 पॉइंट्स प्लस 80 पॉइंट टोटल हमें 480 पॉइंट मिले। इसके साथ हम लोगों ने एक हेजिंग करी थी कि बाय चांस अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता तो हम लोगों को लॉसेस भी कम हो, तो हम लोगों ने 34,500 का पुट भी बाय करा था जो कि 120 रुपीस पे था और वो जीरो हो गया, तो 480 माइनस 120 अगर हम लोग करें तो 360 पॉइंट्स पर लॉट हमें बैंक निफ्टी में मिला है, एंड यहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रॉफिट्स को इंजॉय करा है।
ठीक है गाइस। सो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। अब क्या करना है, एक अपमूव के बाद एक शूटिंग स्टार एक रेजिस्टेंस पे देखने को मिल रहा है। अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर ये 35,090 के नीचे खुलता है तो एक सेलिंग आ सकती है, अदरवाइज अगर इसी लेवल पे खुल के अगर ऊपर खुल के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो बाइंग कर सकते हैं। मेरे लिए जो बाइंग बनेगी वो बनेगी 35,180 के ऊपर। 35,180 के ऊपर एक अच्छी बाइंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। लाइफ टाइम हाई तक ये पहुंचने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर हम लोगों को बाइंग ही करनी है। एवरी डिप इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। अगर डिप आती है तो कहाँ पर बाय करना है, मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये ट्रेंड लाइन पर अगर आता है तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए बैंक निफ्टी को, अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑन अपसाइड ये दे सकता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस होल वीडियो एंड लिसनिंग टू मी। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर कुछ सीखा होगा, कुछ अर्न करा होगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं हमारे लाइव ट्रेडिंग कॉल्स को जुड़ने से, अगर जिस तरीके से हम लोग सेटअप्स प्रोवाइड करवाते हैं अपने मेंबर्स को, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं सो नीचे हम लोग 7th of June से स्टार्ट कर रहे हैं मंथली। और अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप लोग हमें जनरली व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हमें बिल्कुल मत भूलेगा, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो गाइस चलिए हम एंड करते हैं इस वीडियो को। 1500 लाइक्स आते हैं तो कल मिलेंगे आप लोगों के साथ लाइव, अदरवाइज मंडे को ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।